ये बिल्ली के पाँव के निशान हैं, रोज़ रात को आती है और जो पिजन्स का केज है उसके ऊपर बैठी रहती है कि शायद कोई चीज़ मैसर हो जाए कभी, लेकिन होता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों इस टाइम सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं वेट कर रहा था कि कब प्लॉट में धूप आती है। अभी प्रॉपर तरीके से तो नहीं आई, लेकिन धूप आना स्टार्ट हो गई है। तो मैं बर्ड्स वगैरह को ओपन करता हूँ, काफ़ी शोर मचा रहे हैं। आज मैं बाजरा पहले ही डाल देता हूँ। मिक्स दाना भी दे देते हैं, बारीक दाना भी डाल देता हूँ। इधर भी डाल देता हूँ, गंदम भी डाल देता हूँ। इसको भर देते हैं, पिजन्स को दे देंगे, बाकी बर्ड्स भी खा लेंगे। चलते हैं मुर्गियों की तरफ, इन्हें करते हैं ओपन। उसके बाद गायना फॉर इनको भी ओपन कर देते हैं। ये भी ओपन हो गए, इनको भी ओपन कर देते हैं। ये खुद ही निकल आएंगे यहाँ से। गुड मॉर्निंग, ये निकल आई। ब्रेकफास्ट मैंने इनके लिए पहले से ही बंदोबस्त कर रखा है आज, तो इन्होंने आते खाना स्टार्ट कर दिया। रैबिट्स को भी ओपन कर लेते हैं। इनको ओपन कर देता हूँ मैं यहाँ से, ताकि ये भी बाहर आ जाए। पिजन्स वाला केज मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उधर इनको बिल्कुल भी धूप नहीं लगती थी। मतलब इधर कार पोर्च में गाड़ी खड़ी होती थी तो गाड़ी को पीछे करना पड़ता था, या अगर इधर भी खड़ी रहती तो उसका अक्स पड़ता था इन पर। इस तरह यह है कि अब इन पर डायरेक्ट धूप लगा करेगी। दोपहर को जब भी 11-12 बजे इधर धूप आती है, तो इनको मुसलसल 3-4 घंटे धूप लगती रहेगी। ओपन कर दिए और ये निकल रहे हैं बाहर। इनके लिए मैं इधर गंदम कर देता हूँ और इधर भी दे देते हैं गंदम, ताकि मुख्तलिफ जगह रखूँ, इनको खाने में परेशानी ना हो। बाकियों को अब ओपन करते हैं, क्योंकि बाहर इनको नहीं रखता, सर्दी होती है, तो इनको मैं ले जाता हूँ बाहर, ओपन करता हूँ। ये भी आगे निकल आए बाहर, इनको इधर से ओपन कर देते हैं, ये खुद ही चले जाएंगे। और इनको भी ओपन कर देता हूँ, ये भी ओपन हो गए। पैरट बाजरा खा रहे हैं, तो मैं पानी रख देता हूँ। पानी रख दिए, पानी पी रहे हैं। मैं ज़रा पीछे हो जाता हूँ। ये दोबारा आ गई है अंडों पर बैठने। इसका जो दूसरे वाला अंडा है, जो दूसरी तरफ पड़ा है, वो थोड़ा सा मुझे ऐसे जिस तरह क्रैक होता है लग रहा है। देखते हैं, अभी वेट करते हैं, 2-4 दिन तक रिजल्ट आ जाएगा इसका भी। देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं सब के सब। ये पालक है, काट के देनी है इसको। ये मैं फेंक देता हूँ, खुद ही खा लेंगे। ये इधर खा रहे हैं, इनको मैं अलग दे देता हूँ, क्योंकि ये डरते हैं, तो ये आराम से खाते रहेंगे इधर। आज ही बड़े दिनों बाद हाशिर दोबारा आया, इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। फ्राइडे को आखिरी एग्ज़ाम था, तो आज तो सैटरडे है। नहीं, आज संडे। हाँ संडे है। चलो अब चलते हैं मार्केट, चलते हैं बाहर मार्केट चलें। आज इतवार का दिन है और रोड पे रश भी कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सुबह लेट उठते हैं और मोस्टली लोग तो बाहर से ही नाश्ता करते हैं, और हम मंडी में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और रास्ते में ही हैं।
अजीब वर्ड, ये हम ले रहे हैं इनसे खरगोश। आज एक आ गया इसके अंदर, ये ब्लैक और वाइट में, दूसरा भी इसी तरह का हो। हाशिर ने उठा रखे हैं जी खरगोश का पैर, तो चलते हैं घर। लेकिन उससे पहले हमने एक तोता लेना, वो भी मादा, वो डाल लेंगे इसके अंदर, क्योंकि वो पहले वाला हमारा एक्सपायर हो चुका है। तो मैं कह रहा हूँ कि पैर पूरा होना चाहिए। इधर से मैंने एक मादी तोती भी ले ली है, तो चलते हैं अब घर, क्योंकि वो जो पहले वाली थी वो एक्सपायर हो चुकी है। अब ये कि उसका पैर कंप्लीट हो जाएगा, ये इसके अंदर छोड़ देते हैं इसको, ये निकल जा और ये निकल गई। फाइनली जी ये चली गई है और जल्द ये घुल मिल जाएगी इनके साथ। रैबिट्स को ले आए जी घर और हाशिर निकाल रहा है, ये डरेंगे ज़रा अभी, पकड़ के रखना था हाशिर। चलो ठीक है ठीक है जी, ये पालक दिए अभी खा नहीं रहे, जबकि दूसरे ने खाना शुरू कर दिए। ये उदास है क्या, बीमार तो नहीं, धीरा लग रहा है, खा नहीं रहा अभी। और ये खा रहा है जी माशाल्लाह। ये इनके आगे मिक्स दाना रख दिया, बाजरा भी है इसमें, इनमें से ये वाला तो खा रहा है, ये वाला नहीं खा रहा। आखिर क्या वजह हो सकती है, पता नहीं अभी शायद अभी अभी आया है इसलिए ना खा। हाँ डर रहो, डर रहो। इसको हाथ से देते हैं, हाथ से भी नहीं खा रहा, ये माशाल्लाह खा रहा है जी। इनके साथ छोड़ दिए इनको, गपशप लगा रहे हैं। इनका एक साथी ये भी आ गया, ये जो वाइट फीमेल है, जब मैंने इन चारों को अंदर डाला तो उसने इन दोनों को, एक ये है दूसरा पता नहीं किधर है, तो दोनों को अंदर नहीं आने दिया, तो फिर इनकी जगह अलग करते हैं। अब कोई पता नहीं कि जो वाइट फीमेल है उसने उधर बच्चे दिए हुए हैं, क्योंकि जो सुराख था दोबारा उसने बंद कर दिया है। कभी वो खोल देती है, कभी बंद करती है, दिन में चार दफ़ा खोलती है, चार दफ़ा बंद करती है। अब वल्ला नहीं मालूम कि क्या है, फिलहाल इनको अलग करते हैं, इनको फिलहाल इधर शिफ्ट कर देते हैं, आज इधर शिफ्ट कर देंगे इनको। जी आपने देखा खरगोश के साथ उनके साथी भी ले आए हैं, लेकिन अभी उनकी बनी नहीं है, उम्मीद है जल्दी बन जाएगी। क्या ख्याल है आशिर? हाँ शायद बन जाए, थोड़े दिन तक एक साथ रहेंगे तो। और बाकी जो हमारे एक जो पैरेट था वो कम था, वो भी हम ले आए हैं, पैर वो भी कम्प्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बुधवार दिन होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।